हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किस तरह से हम लोग कोई भी यदि आपका बॉडी दिया हुआ है उसका किस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे थे। उस पे प्यारे बच्चों हमने एक दो क्वेश्चंस भी करवाया था, है ना। और हम देखे थे किस तरह से आपका कोई भी यदि प्लेन लेमिना है, जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया या मान लो कोई सर्कुलर डिस्क है, उसका किस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग आज दूसरे तरह मतलब एक आपका दो थ्योरम पढ़ना था, एक आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा है आपका प्यारे बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस तरह से यूज होता है वो हमने आपको बताया था, आज हम लोग बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, है ना। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या बोला है, करा इट स्टेट दैट इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, इज डिनोटेड बाय आईजी। कोई प्लेन है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट कितना है प्यारे बच्चों, आईजी है, उसको डिनोट किया गया है। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी अदर एक्सिस एबी, है ना, एनी अदर एक्सिस एबी पैरेलल टू द फर्स्ट, कहने का मतलब कोई अदर एक्सिस ए बी है जो सेंट्रोइडल एक्सिस यानी जो एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है उसके क्या है, पैरेलल है, एंड ए डिस्टेंस एच फ्रॉम द सी जी, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस प्यारे बच्चों कितना है, एच है, तो उसका उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई ए बी बराबर आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है ना। इसको प्यारे बच्चों आप ऐसे समझिए इस स्टेटमेंट को, मान लीजिए आपका ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, इसका अपना क्या होगा, अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इस लाइन से सपोज करो आपका जो लाइन पास करेगा, जो एक्सिस पास करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस, क्लियर है ना। एक दूसरा एक्सिस है जो सेंट्रोइड, जो इस एक्सिस के क्या है प्यारे बच्चों, पैरेलल है, क्या है आपका, ए बी है, क्लियर है ना। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एच है, क्लियर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चों, एच है। और मान लेते हैं ये बॉडी का एरिया हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए। अब बताइए आपको इसके अबाउट मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई जी दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि आपका ए बी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है प्यारे बच्चों, आई ए बी क्या होगा, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे हमेशा, क्लियर है ना। कभी भी यदि आपका सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, कोई भी अनदर एक्सिस जो पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस है उसके अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो आप इसको यूज कर सकते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था रेक्टेंगुलर सेक्शन का, कोई रेक्टेंगल है, है ना, उसका किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाले थे, उसका जो रिजल्ट आया था बीडी क्यू बाय 12 उसको याद भी रखना है। दूसरा हमने आपको सर्कल बताया था, है ना, सर्कल को हमने आपको बताया था, सर्कल अपने एक्सिस के अबाउट जो होता है एक्स और वाई दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, दोनों के अबाउट प्यारे बच्चों सर्कल के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो पाई बाय 64 डी पे पावर 4 आया था, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग सीखते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन। यदि कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, कोई भी तरह का ट्रायंगल है, चाहे वो आइसोसेल्स हो, आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो प्यारे बच्चों, या मान लीजिए आपका क्या हो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो प्यारे बच्चों, तो उसका हम लोग कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस चीज को हम लोग आज सीखते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन या ट्रायंगुलर लेमिना हुज बेस इज बी, जिसका बेस कितना है बी है, हाइट कितना दिया हुआ है एच दिया हुआ है, अबाउट बेस, बेस के अबाउट आपको क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कोई भी ट्रायंगुलर सेक्शन है। चलिए प्यारे बच्चों हम एक ट्रायंगुलर सेक्शन बना लिए, ये आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है, ठीक है ना, मान लेते ये ट्रायंगुलर सेक्शन ए बी और आपका सी, क्लियर है ना। इसका बेस प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, आपका बी दिया हुआ, और इसका हाइट है ना, ये हाइट कितना दिया हुआ है, एल्टीट्यूड कह लो इसको, ये एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ, एच दिया हुआ, क्लियर है ना। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, क्लियर है प्यारे बच्चों। आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे।
चलिए हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया, एक छोटा सा स्ट्रिप प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने कंसीडर किया और मान लेते हैं इस स्ट्रिप का जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस प्यारे बच्चों आपका कितना है, आपका डीएक्स है, कितना है आपका डीएक्स है, बात आई समझ में। और मान लेते हैं यहाँ से इस वर्टेक्स से ये कितना नीचे है आपका, हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों एक्स नीचे, कितना नीचे है, एक्स नीचे है। अब ये स्ट्रिप बहुत ही पतला होता है, यदि हम लोग बात करें यहाँ से ये डिस्टेंस, तो प्यारे बच्चों यदि यहाँ से ये डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या होगा, एच माइनस एक्स, कोई दिक्कत है ना, क्योंकि स्ट्रिप बिल्कुल ही क्या है प्यारे बच्चों आपका पतला है। तो चलिए आपका क्वेश्चन में यहाँ पे बी बेस दिया हुआ है, अब हमको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जो ये स्ट्रिप पी क्यू कंसिडर किए हैं, आप देखिए यहाँ पे हमको इस पी क्यू की यदि लंबाई निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे, है ना, इस पी क्यू की यदि, क्योंकि ये पी क्यू देखो आपका स्ट्रिप प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ से कट करना शुरू करोगे यहाँ तक जाएगा, है ना, तो मतलब ये पी क्यू वेरी करेगा। तो यदि हमको पहले हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों इस पी क्यू को निकाल लेते हैं, तो देखो यहाँ पे इन ट्रेंगल आप सोल्यूशन इसका करते हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी है ना, और ट्रेंगल आपका छोटा सा ए पी क्यू, ये क्या है प्यारे बच्चों आपका सिमिलर ट्रेंगल है। अब सिमिलर ट्रेंगल में ऑल जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका बराबर होता है। तो चलिए हम लोग यदि बड़े ट्रेंगल में सब या छोटा ट्रेंगल में प्यारे बच्चों यदि हम लोग पी क्यू लिए तो छोटा बड़ा में क्या लेना पड़ेगा, बी सी लेना पड़ेगा ना, इक्वल टू। अब बताइए यदि इसका हाइट की हम लोग बात करें, देखो प्यारे बच्चों यदि हम लोग बात करें प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो इसका जो हाइट होगा छोटा ट्रेंगल का वो कितना होगा, एक्स होगा, और बड़ा ट्रेंगल का हाइट कितना होगा, एच होगा। तो ये बराबर हो जाएगा आपका एक्स अपॉन एच, हमको यहाँ पे पी क्यू निकालना है, पी क्यू बताइए क्या आ जाएगा आपका एक्स बाय एच इंटू बी सी, और प्यारे बच्चों देखिए आपका जो बी सी है वो क्या है आपका एक्स अपॉन एच इंटू बी, क्योंकि ये बी सी क्या आपका बेस है, एक रिलेशन आपने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा पी क्यू बराबर क्या है एक्स बाय एच, इसका हमको आगे यूज पड़ेगा, क्लियर है ना। अब हम आपसे पूछते हैं प्यारे बच्चों आप बताइए एरिया ऑफ स्ट्रिप, यदि एरिया ऑफ स्ट्रिप की बात करें तो अब इसको आप अलग से देखो, ये एक तरह का आप जो ट्रेंगुलर कोई भी लमीना है कट करोगे ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा एक रेक्टेंगल होगा, इस तरह से देखिए प्यारे बच्चों, क्लियर है ना, ये आपका रेक्टेंगल होगा और इसका ये थिकनेस कितना है आपका डीएक्स है, और ये लंबाई आपका पी क्यू है, जो पी क्यू ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, तो बताइए आपका एरिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका पी क्यू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका डी एक्स, पी क्यू का वैल्यू रख दो क्या हो जाएगा आपका बी एक्स बाय एच इंटू डी एक्स, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, चलो आपने नोट कर लिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, अब यदि इस स्ट्रिप का यदि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट बेस, है ना, बेस के अबाउट मतलब बीसी के अबाउट, है ना, बेस के अबाउट निकालते हैं, तो बताइए आपका ये इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस का क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने बताया था सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, है ना, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, बताइए एरिया इस स्ट्रिप का कितना प्यारे बच्चों आपका बी एक्स डिवाइडेड बाय एच इंटू डी एक्स, और ये डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, देखिए बेस से ये दूरी कितना है एच माइनस एक्स, क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा बी बाय एच एक्स इंटू एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, क्लियर है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला किसका, इस छोटे से स्ट्रिप का। अब बताओ इतना ये छोटा स्ट्रिप इसमें क्या होगा, यहाँ से कट करना शुरू करेंगे यहाँ तक, मतलब इस एक्सप्रेशन को यदि हम लोग जीरो से एच के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे तो इस होल सेक्शन का क्या निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पे नोट कीजिए। अब इसीलिए हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन, है ना, होल सेक्शन अबाउट बेस, है ना, अबाउट बेस, तो प्यारे बच्चों यदि इसको हम लोग आई बी सी यदि रिप्रेजेंट करें तो बताइए क्या होगा, इंटीग्रेशन जीरो से एच बी बाय एच एक्स इंटू एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे
आपको निकल जाएगा। चलिए इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो जल्दी से नोट कीजिए प्यारे बच्चों, चलो देखो यहाँ पे, तो आपका ये BC, तो 9 देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 IBC बराबर है ना, B by H को अपन बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 0 से H लिमिट होगा, इसको यदि खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका H square minus 2XH plus क्या हो जाएगा आपका X square, ठीक है प्यारे बच्चों, DX क्लियर है ना। इसको देखो यहाँ पे b by h इंटीग्रेशन 0 से h, इस x को अंदर भेजोगे h स्क्वायर x माइनस 2x स्क्वायर h है ना, प्लस क्या हो जाएगा आपका x क्यू और प्यारे बच्चों आपका dx क्लियर है ना। तो बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है, यहां से देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ रहा है, ये b by h इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे h स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 h एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 3 प्लस x पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और लिमिट रख दो 0 से h, ठीक है। अब हायर लिमिट रखेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा b by h हायर लिमिट h रखेंगे, ये हो जाएगा h पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, ये देखिए आपका हो जाएगा 2 h पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 और प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा h पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, लोअर लिमिट सबको जीरो कर देगा तो माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, b by h यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 12, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 h पे पावर 4 माइनस यहाँ पे देखिए आपका 8 h पे पावर 4 और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 3 h पे पावर 4। यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो रहा है b by h मल्टीप्लाई, देखिए आपका 6 3 9 यानी हो जाएगा h पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, एक h इससे चला जाएगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आया बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसी भी ट्रायंगुलर सेक्शन का बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 12। इसको याद रखेंगे, कोई भी यदि आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया बेस के अबाउट कितना आएगा, बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 12, जहां पे बी क्या है बेस और एच क्या है आपका हाइट, क्लियर है ना। चलिए अब प्यारे बच्चों ये तो हो गया बेस के अबाउट, यदि कल को आपको कोई पूछ दे भाई सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा है ना, तो आप सबको पता है प्यारे बच्चों सीजी जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का वो बेस से कितना दूरी पे लाई करता है, ठीक है ना। तो बताइए प्यारे बच्चों ये यदि सीजी लाइन है, ये लाइन यदि सीजी है तो बताइए ये जी आपका जी पॉइंट है, बताओ इसके बीच का ये डिस्टेंस क्या होता है, एच बाय 3 होता है ना, होता है कि नहीं होता है ना। अब बताइए बेस के अबाउट निकाला, बेस के अबाउट इस बीसी लाइन के अबाउट प्यारे बच्चों आपका ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो यदि हम लोग यहाँ पे यूज करें अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो बताइए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, यदि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया मान लो आई जी, तो बताइए आई बी सी बराबर क्या होगा, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, जहां पे एच कहने का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ एच स्क्वायर जो हम लोग किए थे थ्योरी में, तो ये एच के जगह पे क्या होगा एच बाय 3, क्योंकि एच इसमें क्या होता था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, बताइए एक एक्सिस आपका बेस है दूसरा आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं एच के जगह पे क्या एच बाय 3 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू आई जी हमको फाइंड आउट करना है प्लस किसी भी ट्रेंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और इसको हम लोग एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, ठीक है प्यारे बच्चों। इस टर्म को आप इधर भेज दो तो देखो तो आपका ये क्या निकल के आ रहा है आई जी बराबर क्या हो जाएगा आपका बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 12, इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 18 है ना प्यारे बच्चों, बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 18 दोनों का एलसीएम कितना होगा 36, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना होगा देखिए 12 3 36 3 बी एच क्यू माइनस 2 बी एच क्यू, क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया आई जी बराबर आ गया बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 36, यानी आपका यदि सेंटर ऑफ
ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 36, और ये क्या था बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 12, ये था आपका बेस के अबाउट, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अक्सर आपका ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना हुज बेस इज बी एंड हाइट इज एच, चाहे कोई भी ये दोनों फॉर्मूला आपका किसी भी तरह का यदि ट्रायंगल है उसमें आपका वैलिड है, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। कोई भी ट्रायंगल पूछे आप इसको लिख सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया को क्लोज करेंगे। इसमें आपका लिमिटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस जो आपका पार्टिकुलर जो आपके सिलेबस में मेंशन है ना, उसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, या तो वो रेक्टेंगल पूछेगा, या मान लो आपका ट्रायंगुलर पूछेगा, या सर्कुलर पूछेगा, सर्कुलर पूछ भी चुका है, रेक्टेंगल भी प्यारे बच्चों पूछा है, तो ट्रायंगल का ये ज्यादा चांस है, इसको आप जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर सेक्शन। कैसा सेक्शन है, सेमी सर्कुलर सेक्शन हुज रेडियस इज आर, है ना। एक सेमी सर्कुलर सेक्शन है जिसका रेडियस क्या है प्यारे बच्चों, आर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपको निकालना है अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, यहाँ पे लिख लो अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है ना। जब भी हम लोग मोमेंट ऑफ अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, है ना, एक्सिस कहने का मतलब वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा। चलिए एक हम सेक्शन बना देते हैं, ये देखिए आपका ये सेमी सर्कल हो गया, है ना, इसका रेडियस दिया हुआ है ना जी, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस यहां से लेकर के आर दिया हुआ, क्लियर है ना। अब इसका हमको निकालना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, यदि पूछे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि यदि ये आपका, यदि प्यारे बच्चों आपका यदि पूरा सर्कल होता, है ना, यदि पूरा सर्कल होता, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, यदि ये पूरा सर्कल होता और इसका रेडियस यदि आर होता, तो आपको पता है सर्कल जो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अबाउट क्या होता, सिमेट्रिकल होता, यही इसका सीजी लाइन है, है ना। और इस लाइन के अबाउट जो होता मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमने आपको बताया था कितना होता प्यारे बच्चों, पाई बाय 64 डी पे पावर 4 होता है ना डायमीटर, यदि डायमीटर यहाँ पे होता है, डायमीटर इसका डी है, तो क्या हो जाएगा डी पे पावर 4, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, अब बताइए सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का इस डायमीटरल लाइन के अबाउट, है ना, ये डायमीटर के पूरा सर्कल ये इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या था, आई एक्स एक्स, या हम लोग इसमें देखे थे आई वाई वाई, दोनों के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया, बिकॉज ये एक्स और वाई दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो आप बताइए ये पार्ट को भूल जाओ, नीचे वाला पार्ट को, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, तो बताइए इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्सिया पाई बाय 464 डी पे पावर 4 है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये ऊपर वाला पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो मतलब इस सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसका, इसका क्या हो जाएगा आपका आधा, इसके अबाउट ये डायमीटरल लाइन, लेकिन हमने आपको क्या क्वेश्चन दिया है अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, है ना। तो आप सबको पता है सेंट्रोइडल एक्सिस प्यारे बच्चों कोई भी सेमी सर्कल का जो सीजी जी पॉइंट लाय करता है वो यहां से कितना दूरी पे लाय करता है, 4r/3π, जो हमने आपको सीजी में बताया था सेमी सर्कल का सीजी जो है वो अपना डायमीटरल लाइन से कितना दूरी पे लाय करता है, 4r/3π पे, क्लियर है ना। हमको इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं बेस के अबाउट इसका आधा कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया मान लो हम इसको ए बी लाइन दे, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट अबाउट ए बी, है ना, इसको यदि हम लोग आई ए बी से डिनोट करें तो वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पाई बाय 64 डी पे पावर 4 होगा प्यारे बच्चों, यानी पाई बाय इसका दुना करेंगे 4 × 8, 6 × 12, 128 डी पे पावर 4, क्लियर है ना। अब आपको निकालना इस एक्सिस के, है ना, मान लेते इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया वो क्या है, आई जी है, है ना। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस
थ्योरम है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आई ए बी बराबर होगा आई जी प्लस ए। अब इस दोनों के बीच का दूरी देखिए प्यारे बच्चों 4r/3π, यानी यहाँ पे यदि ये दूरी हम लोग प्यारे बच्चों h मान ले है ना, जो h किसके बराबर है 4r/3π है ना, यही आपका स्टेटमेंट है। यहाँ पे रखेंगे बताइए कितना है, पाई बाय 128 d^4 = Ig+ एरिया। अब बताइए कोई भी सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का आधा, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए आधा हो जाएगा यानी हाफ पाई बाय 4d², ठीक है ना, ये होता है कोई भी सर्कल का पूरा एरिया पाई बाय 4d², इसका आधा कर देंगे और h का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4r/3π और इसका क्या है होल स्क्वायर है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों डायमीटर को हम लोग रेडियस में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ से आईजी का वैल्यू निकालना था, इस टर्म को क्या करना है इधर कर लो है ना, चलिए इसको नोट करो जल्दी से। चलिए देखें यहां पे, तो यदि हमको आईजी फाइंड आउट करना है तो Ig = क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 128। अब बताइए प्यारे बच्चों इस डी को क्या लिखेंगे, इस डी को हम लोग 2r लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये 2r का क्या पावर 4 माइनस, अब यहां से आइए ये कितना हो जाएगा माइनस हाफ, ये हो जाएगा देखिए पाई बाय 4, फिर यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर है, इसको आप क्या लिखोगे 2r का क्या होल स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4r/3π इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यदि यहां से सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 2 का पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 2 × 4, 4 × 8 = 16, 16r/4 माइनस यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा ये पाई बाय 8 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r² मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए आपका 16r² है ना प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाय 9π². अब यहां से जो जो कटेगा काट दीजिए, 16 से कट जाएगा ये कटेगा ना जी, चलो इसको यदि हम लोग कट करेंगे 4 × 16, 4 × 3 = 12 और ये कितना हो जाएगा आपका 32 और ये हो जाएगा आपका 8, क्लियर है, और यहां से भी कटेगा 4 × 8 क्लियर है ना, इस 2 से काटेंगे 8 क्लियर है। इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं, जब इसको सॉल्व करोगे देखो तो ये क्या आएगा, जब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों, हम इसका वैल्यू रख देते हैं, ये आईजी किसी भी सेमी सर्कुलर सेक्शन का देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ये आएगा आपका पाई बाय 8 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा r/4 ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस पाई, अब यहाँ पे कुछ बच रहा है क्या, 1π इसके साथ कैंसल हो जाएगा क्लियर है ना, तो ये पाई चला गया ठीक है, तो बचेगा क्या, ये बच जाएगा प्यारे बच्चों 8/9 ठीक है, 8/9 और ये हो जाएगा आपके r/4 है ना, r/4 यदि यहाँ पे हम लोग r/4 को कॉमन कर ले पाई बाय 8 माइनस 8/9 इसको आप सॉल्व करोगे, जब आप कैलकुलेटर से यहाँ पे प्यारे बच्चों सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आता है 0.11 है ना, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जो आईजी निकलेगा वो आईजी आपका आएगा 0.11 r/4 क्लियर है ना, तो यानी कोई भी यदि सेमी सर्कुलर सेक्शन है उस सेमी सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस यानी अबाउट सीजी कितना होता है 0.11 r/4। प्यारे बच्चों ये जितने भी फॉर्मूले हैं यदि आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में आ रहे हो तो वहां पे एक सब्जेक्ट है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी क्या कहते हैं आपका मॉस जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसमें आपका एक चैप्टर ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां पे भी आपको ये हेल्पफुल होगा जितने भी सेक्शन को हमने आपको बताया है ठीक है ना। तो
इस तरह से जो भी आपका स्टैंडर्ड सेक्शन है वो आप याद रखेंगे, जो भी रिजल्ट आपके और कैसे रिजल्ट आता है प्यारे बच्चों, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों, है ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर बात करेंगे वो करेंगे आपका रेक्टिलिनियर मोशन एंड SHM, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।